यहां पर शिवसेना यूबीटी ने किया 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सांगली से चंद्रहार पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सामंत, ठाणे से राजन विचारे, हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, बुलढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर के नाम का ऐलान यहां पर किया गया है। तो शिवसेना जो यूबीटी है उनकी तरफ से ये 16 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जाहिर किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में जो एमबीए है उनकी तरफ से भी जो सीट बंटवारा है उस पर लगातार बातचीत हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो किया है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से अनाउंसमेंट यहाँ पर ये कर दिया गया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर साथ साथ तय की जा रही हैं। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, ये 16 उम्मीदवारों के नाम जो है वो दिए हैं शिवसेना यूबीटी ने, ये वो सीटें हैं जहां पर किसी को एतराज नहीं है या जो शिवसेना यूबीटी लड़ना ही चाहती है? जी ताबिश, बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण जो लिस्ट थी वो सामने आई है। संजय राउत ने सुबह थोड़ी देर पहले ही एक्स पर इस बारे की पुष्टि की और जो 16 सदस्य लोग हैं, 16 उम्मीदवार हैं, उनका नाम उन्होंने सामने लाया। इसमें एक ऐसी सीट थी जिसपे लगातार तनातनी चल रही थी, वो सीट थी मुंबई की, जहां पर अमोल किर्तिकर और संजय निरुपम के बीच में खींचतान चल रही थी। उद्धव ठाकरे ने पहले ही अमोल किर्तिकर का नाम उस सीट के लिए रख दिया था सामने, मगर संजय निरुपम कांग्रेस इस सीट से लड़ना चाहते थे। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि किसको ये सीट मिलेगी, मगर अब जब लिस्ट को जारी कर दिया गया है तो मुंबई की इस उत्तर पश्चिम सीट को लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब वहां से अमोल किर्तिकर लड़ेंगे। वहीं अमोल किर्तिकर को लेकर एक और अपडेट भी है। 16 जो लोगों का नाम है उसमें अमोल किर्तिकर का नाम तो है ही, साथ ही साथ जो खिचड़ी घोटाला है उस खिचड़ी घोटाले में भी आज अमोल किर्तिकर को ईडी ने पेश होने के लिए कहा है, उनको समन भेजा हुआ है। ऐसे में जो 16 लोगों का नाम आया है, उम्मीदवारों का नाम आया है, वहीं बुलढाणा से नरेंद्र खेड़ेकर जो है वो पर्चा भरेंगे। वहीं वासिम से संजय देशमुख का नाम सामने आया है, मालव से संजय वाधेरे पाटिल का नाम सामने आया है, सांगली से चंद्रहार पाटिल का नाम सामने आया है, हिंगोली से नागेश पाटिल अष्टकर का नाम सामने आया है, संभाजीनगर से चंद्रकांत खेड़े हैं, वहीं धाराशिव से ओम राजे निंबालकर का नाम सामने आया है, शिरडी से भाऊ साहेब वाचोरे हैं, वहीं नासिक से राजभाऊ वाजे हैं, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत जो कि संजय राउत के भाई हैं उनका नाम जो है वो भी सामने आया है, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई ईशान्य से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत और अमोल किर्तिकर का मैंने आपको बताया, वहीं परमणी से संजय यादव का नाम जो है वो दिया गया है। अब आगे जो है वो कांग्रेस किस तरीके से अपने सदस्य के नाम जारी करते हैं, अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करते हैं, वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ तनातनी चल रही थी। वहीं संजय निरुपम भी थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि लगातार नाराजगी जो है संजय निरुपम की सामने आ रही थी, क्योंकि उस सीट से जहां पे कृतिका का नाम उद्धव ठाकरे ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, उस सीट से जो है वो संजय निरुपम लड़ना चाहते थे। तो अब जो है संजय निरुपम किस तरीके से सामने आते हैं, उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ देर में संजय राउत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस बारे में संक्षेप में बात करेंगे।